लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं साक्षी। खरगोन में नाबालिग बेटियों की गुमशुदगी को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 9 नाबालिग लड़कियों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी से पता चला है कि बनहेर की भारती चौहान ने कोतवाली थाना पर अपनी नाबालिग बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस दौरान पुलिस ने फरियादी के कहे मुताबिक संदेही भीकनगांव निवासी राजेश पिता कैलाश प्रजापत की छानबीन शुरू की और उसे धर दबोचा। वही नाबालिग को बरामद किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी ललित सिंह डांगू ने बताया कि अपराधी पर नाबालिग के अपहरण और पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत बलात्कार का मामला पंजीबद्ध करके आरोपी को जेल भेजा गया है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। ये पुलिस मुख्यालय का एक अभियान चलाया जा रहा है, इसमें श्री सुनील कुमार पांडे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए हम लोगों को, जिसके तहत अभी तक हमने 9 बच्चियों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया है। इस अभियान में इसी तारतम्य में 19/7/2019 को संजय नगर से एक नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिस पर हमने 363 का मुकदमा कायम कर विवेचना की गई थी, जिसमें पाया कि इस बच्ची को राजेश पिता कैलाश प्रजापति निवासी भीकन गाँव का मनावर ले गया था और उसके साथ गलत काम किया। उसको आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत और 376 के तहत धाराएँ बढ़ाई गई हैं, जिसको आज न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। ये अलग अलग स्थानों का जो प्रकरण हमारे यहाँ दर्ज हुए हैं, उनमें से एक 9वीं बच्ची को कल बरामद किया। इसको माता पिता के हैंडओवर कर दिया है, नाबालिग बच्ची थी और इसके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।